फ्रेंड्स, दोस्तों लर्निंग टुगेदर में आपका फिर से स्वागत है। करंट अफेयर्स का ये दूसरा सेट है दोस्तों। अगर आपने इसके पहले का सेट नहीं देखा तो जरूर देख लेना, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस उसके अंदर। दोस्तों इस सेट पे भी मैंने वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए रखा है दोस्तों। सो आने वाले हर एग्जाम्स के लिए, स्पेशली बीपीएससी के एग्जाम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें 5 ऑप्शन दिए गए हैं ना, ऑप्शन नंबर ई। तो दोस्तों इस वीडियो का स्किप बिल्कुल भी मत करना है ना, और जहां तक हो सके दोस्तों वीडियो को पॉज करके सारे क्वेश्चंस और उसके ऑप्शंस को ध्यान से पढ़ करके उसे खुद से सॉल्व करने की कोशिश करना है दोस्तों, ठीक है ना। फिर मैं जो बताऊंगा आप उसे मैच कर लेना है ना, सही है गलत है। तो आइए जल्दी से शुरू करते हैं। पहला सवाल हमारे पास है, इनमें से किस हॉकी खिलाड़ी को इस वर्ष ध्यानचंद खेल रत्न के लिए नामांकित किया गया है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 5 ऑप्शन है, उनमें से कोई नहीं है फिर इनमें से एक से अधिक, ठीक है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, PR श्रीजेश, ठीक है, PR श्रीजेश। नेक्स्ट है लोकतंत्र राजनीति और धर्म, ठीक है, लोकतंत्र राजनीति और धर्म इस नाम के पुस्तक का लेखक कौन है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों, सेकंड का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, A सूर्य प्रकाश, ठीक है, A सूर्य प्रकाश। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, वर्ल्ड एथलेटिक्स द्वारा वुमेन ऑफ द ईयर से किसे सम्मानित किया गया था, ठीक है, दूती चांद, पीटी उषा, हेमा दास, अंजू बॉबी जॉर्ज, या फिर इनमें से कोई नहीं एक से अधिक, ठीक है। दोस्तों थर्ड का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अंजू बॉबी जॉर्ज। फ्रेंड्स अगर आपको हिंदी के अलावा अगर इंग्लिश के क्वेश्चन को पढ़ना है तो आप वीडियो को पॉज करके इंग्लिश के सारे क्वेश्चन को आप पढ़ सकते हैं, उसको ऑप्शन को पढ़ के आपको टिक करना है, ठीक है। तो मैंने दोनों तरह के ऑप्शन रखे हैं, जिन्हें इंग्लिश में पसंद हो वो इंग्लिश का क्वेश्चन को देख ले, जिन्हें हिंदी का पसंद हो वो हिंदी को देख सकते हैं, है ना। नेक्स्ट है रामकुमार रामनाथन, जिन्होंने अपना पहला चैलेंजर स्तर पर एकल खिताब जीता, किस खेल से जुड़े हुए हैं। आपको बताना है रामकुमार रामनाथन के बारे में, किस खेल से जुड़े हुए हैं, टेनिस से, तीरंदाजी, टेबल टेनिस, बैडमिंटन, या फिर इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। दोस्तों फोर्थ का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, टेनिस, ठीक है, ये टेनिस से जुड़े हुए व्यक्ति हैं रामकुमार रामनाथन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस किस तारीख को मनाया जाता है या मनाया जा रहा है, ठीक है, नेशनल पॉल्यूशन कंट्रोल डेज किस डेट में मनता है। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा 5th का ऑप्शन नंबर डी, 2 दिसंबर, ठीक है, 2 दिसंबर को। फ्रेंड्स 1 दिसंबर को क्या मनाया जाता है, 1 दिसंबर को क्या मनाया जाता है, आपको पता है एड्स दिवस, ठीक है, आपको याद रखना है एड्स दिवस, ठीक है। नेक्स्ट है ऑल इंडिया रेडियो ने युवाओं को अपनी आवाज उठाने के लिए एक मंच प्रदान करने के लिए कौन सा नया कार्यक्रम शुरू करने का फैसला किया है। ऑल इंडिया रेडियो हैज डिसाइडेड टू बिगिन विच न्यू प्रोग्राम टू ऑफर यूथ अ प्लेटफॉर्म टू एयर देयर वॉइस। 5 ऑप्शन इसमें भी हैं दोस्तों, आप वीडियो को पॉज करके सारे ऑप्शन को पढ़ेंगे और उसे खुद से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। 6th का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एयर नेक्स्ट, ठीक, NXT, ठीक है। इसमें देखो तो इंग्लिश में आप देखोगे फ्रेंड्स तो एयर नेक्स्ट इस तरीके का भी है और एयर NXT भी है, ठीक है, शॉर्टकट में। दोस्तों का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, एयर NXT, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। आपको कंफ्यूज नहीं करना दोस्तों, क्योंकि इस एयर नल, एयर बोर्ड, एयर नेक्स्ट, एयर NXT इस तरीके के ऑप्शन दिए गए हैं और लास्ट में दिया है इनमें से कोई नहीं या फिर इनमें से एक से अधिक। तो इस तरह के ऑप्शंस में दोस्तों काफी लोग कंफ्यूज होते हैं, तो आपको इस सब चीजों का ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट रहता है क्वेश्चन नंबर 7, गृह मंत्री ने किस शहर में मां शाकुंभरी विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी है। 5 ऑप्शन दिए गए दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा 7th का ऑप्शन नंबर ई, ठीक है, अयोध्या, सोनीपत, वाराणसी, लखनऊ, इनमें से कोई नहीं होगा दोस्तों, उपरोक्त में से कोई नहीं होगा, ये वाला ऑप्शन नंबर ई इसका राइट आंसर होगा 7th का। तो मैं दोस्तों इसका आपका राइट आंसर बताता हूँ, इसका राइट आंसर होगा सहारनपुर, ठीक है, सहारनपुर जो कि यूपी में है, ठीक है ना, सहारनपुर। तो सहारनपुर में इसकी आधारशिला रखी गई है, किसकी, शाकुंभरी यूनिवर्सिटी की, ओके। नेक्स्ट है पीएम मोदी ने किस राज्य में सावरा कुड्डू जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन किया है। 5 ऑप्शन दिए दोस्तों, 8th का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, हिमाचल प्रदेश, ठीक है, हिमाचल प्रदेश राइट आंसर हो जाएगा, यह है सहारनपुर, ठीक है, आपको ध्यान रखना है सहारनपुर, ठीक है ना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, नवंबर 2021 में कुल जीएसटी राजस्व कितना एकत्र किया गया। नवंबर 2021 में टोटल जीएसटी कितना रेवेन्यू कलेक्ट किया गया दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट है, करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है नवंबर 2021 का, जो कि आपसे आने वाले एग्जाम में पूछा जा सकता है।
डाटा हमेशा पूछा जाता है। तो दोस्तों 9th का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 131,526 करोड़, ठीक है, 1,31,526 करोड़, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट है अरुणाचल प्रदेश यानी कि एपी सरकार ने किस बॉलीवुड अभिनेता को उनके स्वर्ण जयंती समारोह के अवसर पर निबंधित किया है? आमिर खान, अक्षय कुमार, संजय दत्त, सलमान खान, कहने से कोई नहीं, एक से अधिक। तो 10th का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी संजय दत्त, ठीक है, संजय दत्त को किया गया है अनुबंधित। ओके नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च ने भारत के किस FY22 फाइनेंशियल ईयर 22 GDP विकास दर का अनुमान परसेंटेज लगाया गया है, ठीक है, आप इसको इंग्लिश में पढ़ सकते हैं, अगर हिंदी में चूंकि ये ट्रांसलेट किया हुआ है तो थोड़ा सा गड़बड़ हो जाती है ना। इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च हैज प्रोजेक्टेड इंडिया FY22 GDP ग्रोथ फोरकास्ट एट विच परसेंट? आपको परसेंटेज बताना है दोस्तों, 11th का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 9.4%, 9.4%। नेक्स्ट है, मैग्डलेना एंडरसन को किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है? मैंडेला एंडरसन को, ठीक है, 12th का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी स्वीडन, ठीक है, स्वीडन की पीएम, महिला पीएम बनाया गया है, ठीक है ना, पहली महिला पीएम है ये मैंडेला एंडरसन। क्वेश्चन आ सकते हैं आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए, काफी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट है, पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड ने एक राष्ट्र एक कार्ड की विजन को ध्यान रखते हुए एक कार्ड को लॉन्च किया है, इसका नाम क्या है? पेटीएम पेमेंट बैंक लिमिटेड हैज लॉन्च अ कार्ड जिसका नाम है कीप इन माइंड द विजन ऑफ द वन नेशन वन कार्ड, व्हाट इज द नेम ऑफ इट? पेटीएम ट्रांस कार्ड, पेटीएम पेटीएम टाइम कार्ड, पेटीएम ट्रेवल कार्ड, या फिर पेटीएम ट्रांजिट कार्ड, या फिर इनमें से कोई नहीं है, एक से अधिक, पांच ऑप्शन दिए गए हैं। 13th का दोस्तों राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी पेटीएम ट्रांजिट कार्ड, ठीक है, पेटीएम ट्रांजिट कार्ड। नेक्स्ट है, भारत और बांग्लादेश ने किस दिन को मैत्री दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया है? फ्रेंडशिप डे, किस डेट को, 3 दिसंबर, 2 दिसंबर, है ना, 6 या फिर 5? दोस्तों 14th का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दिसंबर 6, ठीक है, 6 दिसंबर को मनाया जाता है मैत्री दिवस यानी फ्रेंडशिप डे, भारत और बांग्लादेश, ठीक है। और 2 दिसंबर को क्या मनाया जाता है दोस्तों, अभी मैंने आपको बताया था क्या मनाया जाता है 2 दिसंबर को, और क्या मनाया जाता है 1 दिसंबर को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं, किस राज्य की पुलिस ने राष्ट्रपति रंग पुरस्कार समारोह आयोजित किया है? राजस्थान, उत्तराखंड, गुजरात, या फिर हिमाचल प्रदेश, या इनमें से कोई नहीं। विच स्टेट पुलिस हैज कंडक्टेड द प्रेसिडेंट्स कलर अवार्ड सेरेमनी? ठीक है दोस्तों, 15th का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हिमाचल प्रदेश। आप वीडियो को पॉज करके, ठीक है, और ऑप्शन को पढ़ के खुद से आप बनाने की कोशिश करेंगे दोस्तों, तो ये आपके लिए काफी अच्छा होगा, ठीक है, फिर आप हमारे आंसर से मैच कर लें। नेक्स्ट है, इनमें से किस राज्य ने भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला IITF 2021 के 40वें संस्करण में स्वर्ण पदक पुरस्कार जीता है? किस राज्य ने, हरियाणा, असम, राजस्थान, यूपी, या फिर इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। दोस्तों 16th का राइट आंसर आपको बताना है, आप वीडियो को पॉज करें और सारे ऑप्शन को ध्यान से पढ़ लें। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई, इनमें से कोई नहीं, ठीक है, ना तो हरियाणा, ना असम, ना राजस्थान, ना उत्तर प्रदेश। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ऑप्शन इसमें है नहीं, तो ई है इसका राइट आंसर, इनमें से कोई नहीं। और अगर आपसे इसमें अगर ऑप्शन दिया रहता बिहार, ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बिहार, ठीक है, बिहार। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, आरबीआई ने इनमें से किसे रिलायंस कैपिटल लिमिटेड का प्रशासक नियुक्त किया गया? चार ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों, पांचवा इनमें से कोई नहीं। दोस्तों 17th का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नागेश्वर राव वाई, नागेश्वर राव वाई, इन्हें आरबीआई ने अपॉइंट किया है, कौन सी, रिलायंस कैपिटल लिमिटेड के लिए एडमिनिस्ट्रेशन का, ठीक है। नेक्स्ट है, विश्व विकलांग दिवस 2021 का विषय क्या है? आपको बताना है इसका थीम क्या है, 2021 का जो विकलांग दिवस मनाया गया था, आपको हमें कमेंट करके बताएंगे दोस्तों विकलांग दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है, किस डेट में मनाया जाता है विकलांग दिवस, ये आपको कमेंट करके बताना है। उम्मीद करता हूँ आप जरूर कमेंट करके लिखेंगे।
मैं आपको इसका थीम बता रहा हूँ कि इसका थीम क्या था दोस्तों। 18th का चार ऑप्शन दिए गए हैं, पांचवा तो आपको पता ही है दोस्तों। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा 18th का ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। ओके, लीडरशिप एंड पार्टिसिपेशन ऑफ पर्सन विथ डिजेबिलिटी, ये जो है फ्रेंड्स ये है आज का थीम विकलांग दिवस 2021 का, ठीक है ना। आपको ध्यान रखना है लीडरशिप एंड पार्टिसिपेशन ऑफ पर्सन विथ डिजेबिलिटी। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, इनमें से कौन सा दिन 4 दिसंबर को पूरे भारत में मनाया जाता है? 4 दिसंबर को क्या मनाया जाता है दोस्तों? डाक दिवस, नौसेना दिवस, विज्ञान दिवस, या फिर भारतीय डाक सेवा दिवस, या फिर इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। दोस्तों 19th का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है 4 दिसंबर को, ध्यान रखना है। आपको पता चल गया दोस्तों, 1 दिसंबर को एड्स दिवस मनाया जाता है, 2 दिसंबर क्या मनाया जाता है फ्रेंड्स आपको मैंने बताया था, आप देख लेंगे, ठीक है, और 4 दिसंबर को क्या मनाया जाता है आप देख लेंगे, नौसेना दिवस मनाया जाता है। और कौन से दिसंबर के महीने में, बता दे रहा हूँ, दिसंबर महीने के कौन से डेट में मनाया जाता है विकलांग दिवस, ठीक है, आपको कमेंट करके बताना है। ओके, नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने जगन्ना विद्या दिवेना योजना की तीसरी स्थापना जारी की है? विच स्टेट गवर्नमेंट हैज रिलीज द थर्ड इंस्टॉलमेंट ऑफ जगन्ना विद्या दिवेना स्कीम, ठीक है, आप वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को अच्छी तरह से पढ़ लेंगे। राइट आंसर मैं बताता हूँ, 20 का ऑप्शन नंबर सी होगा इसका राइट, आंध्र प्रदेश, ठीक है, आंध्र प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21, फ्रेंड्स अगर आप वीडियो को अच्छा लग रहा है फ्रेंड्स तो इसे जरूर आप लाइक करते चलेंगे, और हो सके तो अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं फ्रेंड्स इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि फ्रेंड्स काफी जरूरी है सब्सक्राइब करना, क्योंकि जब तक मैं नया वीडियो अगर डालता हूँ तो वो आप तक इसका नोटिफिकेशन पहुंच जाता है अगर आप सब्सक्राइब किए हुए होते हैं तो। नेक्स्ट है, कौन सा देश यूनाइटेड किंगडम के बजाय गैंडा की मेजबानी करने वाला तीसरा देश बन गया? मतलब कौन सा कंट्री है जो यूके के क्या मेजबानी बजाय गैंडा की मेजबानी करने वाला तीसरा देश बन गया? थर्ड कंट्री, ईरान, भारत, चीन, फ्रांस। 21 का दोस्तों राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, आपको बताना है, ठीक है, 5 ऑप्शन दिए गए हैं तो आप बताएंगे फ्रेंड्स, 21 का ऑप्शन नंबर बी भारत है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है, इंडिया ही है इसका। नेक्स्ट है, कौन सा राज्य किसानों की आय बढ़ाने के लिए एक अलग निदेशालय स्थापित करने वाला है? 22 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी कर्नाटका, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी कर्नाटका। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23, किस देश ने 2025 तक अपने सभी परमाणु ऊर्जा संयंत्रों को बंद करने का निर्णय लिया है? चीन, रूस, जर्मनी, फ्रांस, या फिर इनमें से कोई नहीं, या फिर एक से अधिक। 23 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई, क्योंकि दोस्तों ना तो चीन है, ना रूस है, ना जर्मनी है, ना ही फ्रांस है दोस्तों, इसका तो राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? ऑप्शन नंबर ई, इनमें से कोई नहीं। तो फिर फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होना क्या चाहिए फ्रेंड्स? अगर ऑप्शन में दिया रहता बेल्जियम, ठीक है, अगर बेल्जियम दिया रहता तो इसका आंसर बेल्जियम होता, ठीक है, तो मैंने आपका इसका आंसर बता दिया, बेल्जियम होगा, बेल्जियम इस ऑप्शन में नहीं है, तो इसका ऑप्शन नंबर ई राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय सेना ने इन हाउस मैसेजिंग ऐप लॉन्च किया है, इस ऐप का नाम क्या है? असिग्ना, असिग्मा, असीमा, या फिर असिगम, असीमा, या फिर ASIGMB, ठीक है, या फिर इनमें से कोई नहीं एक से अधिक। 24th का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी असिग्मा, ठीक है, असिग्मा, ASIGMA, ठीक है, एक है ASIGNA, ASIHMA, ASIGMB, तो दोस्तों इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। इंडियन आर्मी ने लॉन्च किया है हाउस मैसेजिंग ऐप, ठीक है, इन हाउस मैसेजिंग ऐप इसका नाम है असिग्मा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25, किस राज्य में बिना पनकी मल्टी प्रोडक्ट पाइपलाइन परियोजना का उद्घाटन किया जाएगा? बिहार, उड़ीसा, यूपी, या फिर पश्चिम बंगाल, ठीक है दोस्तों, तो राइट आंसर 25th का ऑप्शन नंबर सी यूपी में, ठीक है, उत्तर प्रदेश, यूपी, बिना पनकी मल्टी प्रोडक्ट पाइपलाइन, ठीक है, पनकी तो शहर आपको पता है दोस्तों कानपुर के पास है ना। नेक्स्ट है, किस राज्य में समाज सुधार अभियान शुरू किया गया है? बिहार, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, या फिर झारखंड, या फिर इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। 26 का दोस्तों राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए बिहार।
बिहार के अंदर ही समाज सुधार अभियान शुरू किया गया है ना, कौन सा, सोशल रिफॉर्म कैंपेन, कहाँ शुरू किया गया फ्रेंड्स, तो बिहार में। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस आ सकते हैं बीपीएससी को लेकर के, ठीक है ना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27। एक महिला लेखक के द्वारा उपन्यास की सर्वश्रेष्ठ पुस्तक के लिए सुशीला देवी पुरस्कार किसने जीता है 2021 का। 27 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अनुकृति उपाध्याय ने, अनुकृति उपाध्याय ने जीता है। ठीक है, नेक्स्ट है द कश्मीर कॉन्ड्रोम, द क्रेस्ट फॉर पीस इन ए ट्रबल लैंड, इस पुस्तक को किसने लिखा है। इंग्लिश में पढ़ सकते हैं, हु हैज ऑथर द बुक द कश्मीर कॉन्ड्रोम द क्वेस्ट फॉर पीस इन अ ट्रबल्ड लैंड, इस पुस्तक को किसने लिखा है फ्रेंड्स। पांच ऑप्शन दिए गए फ्रेंड्स, 28 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, निर्मल चंद्र विज, निर्मल चंद्र विज इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आप वीडियो का पॉज करके आप खुद से क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं या नहीं, ठीक है, हमें बता देंगे आप, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे के सारे वीवीआई क्वेश्चन है और आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29। पहली एंटीवायरल गोली कौन सी है जिसने अब तक कोविड-19 के इलाज में सफलता दिखाई है। कोवैक्स, कोवोवैक्स है ना, मोलनुपिराविर, या फिर रेमडेसिविर, या फिर इनमें से कोई नहीं, एक्सरे भी। पहली एंटीवायरल गोली आपको बतानी है। 29 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, मोलनुपिराविर, ऑप्शन नंबर सी, मोलनुपिराविर, क्योंकि दोस्तों इसमें बताया जा रहा है कि विच इज द फर्स्ट एंटीवायरल पिल, ठीक है, एंटीवायरल गोली के बारे में बताया जा रहा है, ना कि वैक्सीन के बारे में, इंजेक्शन के बारे में। ठीक है, इंजेक्शन होता तो रेमडेसिविर हो सकता था, कोवैक्सीन भी हो सकता है। ठीक है, दूसरा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ओके, नेक्स्ट है एनपीसीआई के साथ साझेदारी में कौन सा बैंक है यूपीआई के माध्यम से सीमा पार से भुगतान की पेशकश करने वाला पहला भारतीय बैंक बन गया है। पांच ऑप्शन दिए गए दोस्तों, 30 का राइट आंसर होगा आपको ई, ठीक है, ना तो इंडियन बैंक है, ना ही कोटक महिंद्रा है, ना ही केनरा बैंक है, ना ही पीएनबी है। 230 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, ठीक है, ऑप्शन नंबर ई इसका होगा, इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन हम लोग 31, क्वेश्चन नंबर 31। द मोदी गैम्बिट, डिकोडिंग मोदी 2.0 पुस्तक शीर्षक वाली जो पुस्तक, इसके लेखक कौन है। हु इज ऑथर ऑफ द बुक टाइटल द मोदी गैम्बिट डिकोडिंग मोदी 2.0 बुक, इसके लेखक बताने हैं आपको। ठीक है, पांच ऑप्शन दिए दोस्तों, संजू पांडा, संजू राय, संजू वर्मा, या फिर संजू शर्मा। तो दोस्तों 31 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, संजू वर्मा। ठीक है, संजू वर्मा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो जैसे आप जरूर लाइक करेंगे, ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लाइक जरूर करेंगे, और दोस्तों सोशल मीडिया पे, चाहे फेसबुक हो, व्हाट्सएप हो, ट्विटर हो, इसे जरूर शेयर करें दोस्तों जहां तक हो सकता है अपने फ्रेंड सर्कल में, ताकि और लोगों तक इसका वीडियो जा सके, है ना, और लोगों तक इसका फायदा पहुंच सके। और आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो आपसे सब्सक्राइब जरूर कर लें, उम्मीद करता हूँ आप जरूर करेंगे दोस्तों, और बेल आइकन को भी जरूर आप दबाएंगे, ताकि आपका क्या हो, नोटिफिकेशन मिल जाए नई वीडियो का। ओके दोस्तों, मुझे लग रहा है बोलने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।